मैं डॉक्टर सुशील गावंडे, वोकॉन हॉस्पिटल नागपुर में साइकियाट्रिस्ट करके कार्यरत हूँ। मित्रों, इस साल का विश्व स्वास्थ्य संस्था का संदेश डिप्रेशन इस विषय पे है। डिप्रेशन ये एक बीमारी है जो 15 से 20% लोगों में पाई जाती है। डिप्रेशन के कई लक्षण होते हैं, जिसमें सामान्यतः प्रमुख लक्षणों में से है उदास लगना, मन कहीं नहीं लगना, कोई भी काम में मन नहीं लगना, नींद नहीं आना या नींद ज़्यादा आना, भूख नहीं लगना या भूख ज़्यादा लगना, आत्महत्या के विचार आना, जो हम काम पहले करते थे उन कामों में रुचि ना लगना, हर समय जो है निगेटिव विचार आना, जीवन में कुछ नहीं पड़ा, जीवन व्यर्थ है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे कोई मदद नहीं करना, ऐसे सब विचारों का ब्रेन में या मस्तिष्क में आना, और ये सभी विचारों के कारण मनुष्य जो आम तौर पे रोज काम करता है, घर में खुश रहता है, तो ये सब चीज़ें बंद हो जाना। डिप्रेशन स्त्रियों में हो सकता है, पुरुषों में हो सकता है और साथ में बच्चों में भी हो सकता है। डिप्रेशन होने के कई कारण होते हैं। अगर हम कई कारण देखें तो उसमें कुछ प्रमुख कारण है। उसमें एक प्रमुख कारण है जैविक कारण, यानी जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉज। दूसरा जो कारण है वो है तनाव की परिस्थिति। अगर तनाव में हम ज़्यादा समय रहते हैं, तनाव से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, ऐसे समय जैविक कारण और तनाव के एक साथ आने से डिप्रेशन ये बीमारी आगे आ जाती है। ब्रेन के अंदर जो सकारात्मक रसायन होते हैं, जिसे बोलते हैं सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ऐसे अनेक जो रसायन होते हैं, ये तनाव के कारण डिप्रेशन में कम हो जाते हैं। पर आप सभी को डिप्रेशन से डरना नहीं है। डिप्रेशन का इलाज असंभव नहीं है, बल्कि डिप्रेशन पागलपन भी नहीं है। जब कभी भी आपको डिप्रेशन का सदमा आ जाए, जब कभी भी आपको महसूस हो कि आप डिप्रेशन में हो, तब आपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना है। जब कभी आपको महसूस होता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य डिप्रेशन से पीड़ित हो, तो उसको आपको डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन अगर कम स्वरूप का है तो समुपदेशन यानी काउंसलिंग से ही उसका हल निकाल जा सकता है। अगर डिप्रेशन मध्य मात्रा का या तीव्र मात्रा का है तो दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। जो सकारात्मक रसायन मस्तिष्क में या ब्रेन में कम हो जाते हैं, उसके प्रति दवाइयाँ दी जाती हैं और काफ़ी मरीज ये दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। कुछ मरीज जो दवाइयों से समुपदेशन यानी काउंसलिंग से ठीक नहीं होते, ऐसे मरीजों में विद्युत उपचार, जिसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बोलते हैं, इसका भी प्रयोग किया जाता है। ये सभी उपचार पद्धतियाँ बहुत सुरक्षित हैं और आज हम बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन से ना डरिए। डिप्रेशन अगर आपको हो, आपके परिवार के किसी भी सदस्य को हो, तो ना घबराते हुए, कोई भी संकोच ना रखते हुए, आप आपके डॉक्टर से मिलिए, उनसे चर्चा कीजिए और एक अच्छा जीवन जिए। धन्यवाद।